हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की रेसिपी है मखाना बर्फी पेड़ा। बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट बनकर के तैयार हो जाती है। बहुत ही कम सामान में फटाफट बनने वाली रेसिपी है। इसे हम केवल दो चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हेल्दी मखाना बर्फी पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कटोरी मखाना। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें और उसी से सारा मेजरमेंट करें। और अब यहाँ पे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे मखाने को ड्राई रोस्ट करना है। चम्मच से चलाते रहें और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने मखाने को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। और ये देखिए, इस तरीके से तोड़ने पे ये अच्छे से टूट रहे हैं। तो इसका मतलब मखाने जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बस अब हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब मैंने मखानों को एक प्लेट में निकाल लिया है और उनको जब मखाने ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हमें उसका पाउडर बना लेना है। और इसके बाद मैंने सेम कढ़ाई में डाल दिया है 1 कटोरी दूध। तो जिस कटोरी से मैंने मखाने नापे थे उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी दूध ले लिया है। अब दूध में हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो देखिए, दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। दूध को हमें अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मखाने के लिए 1 कटोरी फुलक्रीम दूध का यूज़ किया है। यहाँ पे फुलक्रीम दूध का ही हमें यूज करना है। और इसके बाद मैंने मखाने का पाउडर बना लिया है। जब मखाने ठंडे हो गए तो मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। और अब इसको हम डालेंगे दूध में। तो यहाँ पर हमें सारा पाउडर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा मखाने का पाउडर इसमें डालते रहेंगे और चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। तो अब मैंने सारा जो मखाने का पाउडर है वो दूध के अंदर डाल दिया है। और फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है, हाई फ्लेम नहीं करना है यहाँ पे। और अब हमें इसको दूध के साथ पकाना है। मखाने जो हैं वो बहुत जल्दी से दूध को ओवरटेक कर लेते हैं। और आप ये देखिए, सारा दूध इसमें सोख लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी पिसी हुई चीनी का पाउडर। तो मीठा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर का यूज किया है, आप चाहें तो साबुत चीनी का भी यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही फटाफट बनने वाली ये मिठाई है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। और चीनी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। हरी इलायची को मैंने मिक्स करके उसका पाउडर बना लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर पकाने पे ही ये इकट्ठा होने लगता है। सिर्फ इसे बनाने में 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसे हम चम्मच से चलाते रहेंगे। और ये मैंने लिया है नारियल का पाउडर, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर अगर नहीं लेना चाहते तो आप घर का बना नारियल का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि नारियल को ग्रेट करके आप उसका पाउडर बना सकते हैं। इससे जो है इस बर्फी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच नारियल पाउडर का यूज किया है। और इसे भी हम एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालने से जो मिठाई में है बहुत ही अच्छी सी साइन आ जाएगी और एकदम बढ़िया मिठाई बनकर के तैयार होती है। और जैसे ही हमने इसमें घी डाला है तो ये इसे कढ़ाई को एकदम से छोड़ दिया है और ये दो मिठाई इकट्ठा हो गया है। तो लास्ट में 1 चम्मच घी हमें इसमें जरूर ऐड करना है। और आप देख सकते हैं हमारे बर्फी का जो बैटर है वो एकदम रेडी है, एकदम डो के फॉर्म में आ गया है। बस
ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। जब इस तरीके से इकट्ठा होने लगे तो फिर बर्फी का बैटर एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए, मैंने हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा बर्फी का बैटर है वो भी एकदम ठंडा हो गया है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहना चाहिए। अब आप चाहें तो इसे बर्फी ट्रे में सेट करके इससे बर्फी भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे पेड़े बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप पेड़े की सेप दे दें इसको, बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। और गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक बादाम। बादाम को मैंने कट कर लिया है और वही कटा हुआ एक बादाम मैंने इस पर लगा दिया है। आप चाहें तो इस पर पिस्ता भी लगा सकते हैं, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान और झटपट मिठाई है ये, तो आप भी इसे बनाना भी एकदम आसान है। ये देखिए, इस तरीके से मैं सभी मिठाइयाँ बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे मखाना बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा के बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन करके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना भी कितना आसान है, बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है ये। और क्योंकि हमने इसको मखाने से बनाया है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मखाना बर्फी पेड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।